वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉज के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्लॉज बेसिकली कहते किसको है अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब अ क्लॉज फंक्शन एज वन पार्ट ऑफ स्पीच इट मीन्स दैट कि जो भी क्लॉज है वो बेसिकली आपको उस क्लॉज में सब्जेक्ट नजर आएगा वर्ब नज़र आएगा और सब्जेक्ट एंड वर्ब जिस क्लॉज में प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली वो सेंटेंस जो है वो अपना एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा होता है बट ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे फ्रेज जो है वो अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे करती क्योंकि उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है इन क्लॉज का क्या फंक्शन है कि क्लॉज जो है एक कम्प्लीट सेंटेंस विद मीनिंग प्रोवाइड करेगी आपको और जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे शो साइमन वेन योर शो साइमन योर प्रोजेक्ट वेन ही अराइव तो यहाँ पे देखेंगे ही क्या है सब्जेक्ट है अराइव क्या है वर्ब है तो इट मीन दर्ट कि ये क्या कह रहा है प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द बॉय हैज हैज़ ऑटिज्म इन द ग्रुप लीडर अगर हम कहते हैंज़ ऑर्टिज्म तो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है ऑबियसली नहीं कर रहा तो ये क्या है ये एक फ्रेज है लेकिन अगर हम कहते हैं दा बहे है, तो ये भी एक फ्रेज है मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा अगर हम कह दें द दे ग्रुप लीडर इसका भी मीनिंग प्रॉपर नहीं पता चल रहा कि कौन सा ग्रुप लीडर किसकी बात की जा रही है लेकिन अगर हम पूरा सेंटेंस टेप बनाएंगे तो वो एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है इंटरेस्टिंग साइजी सा कंसेप्ट था आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताए और इसे जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वो क्लास की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लाजेस वो भी जरूर देखिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में